गोडक्स का X2T और गोडक्स की ही फ्लैश V860 सेकेंड, ये दोनों को इस ट्रिगर से, इस फ्लैश को हम कनेक्ट करते हैं। तो इस ट्रिगर में पांच ग्रुप दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, और ये फुल्ली डिजिटल ट्रिगर है। और ये जो फ्लैश है ये भी डिजिटल फ्लैश है। दोनों इसके अंदर के जो नेटवर्क है इन दोनों से कनेक्ट होता है। जैसे कि इसमें वैसे तो ब्लूटूथ भी दे रखा है, लेकिन वो इस फोन के ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है। तो अभी इस फ्लैश को इस ट्रिगर से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लैश को ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्लैश का स्लेव मोड ऑन है। अगर ये सब नहीं आ रहा है आपके, तो सिंपल है, आपके ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, मैनुअल या मोड आ रहा होगा 1/16। तो सबसे पहले इस फ्लैश को हमको क्या करना होगा कि सेट करना होगा। सेट करने के लिए सबसे पहले इस फ्लैश की बेसिक सेटिंग करनी होगी। बेसिक सेटिंग करने के लिए ये जो चौथा बटन दे रखा है, ये वाला लास्ट वाला, इस बटन को 3-4 सेकंड होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग आई है। अब इस सेटिंग में घुमा कर देखते हैं तो नीचे जो एक ऑप्शन आ रहा होगा आईडी, ये जो आप देख रहे हैं आईडी, इस आईडी को सेट करते हैं। तो ये अभी 90 सेलेक्ट है, तो अभी इसको हम चाहे जितना सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी इसको 90 ही सेलेक्ट रखने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो अभी इसकी आईडी और इसकी आईडी दोनों सेम होनी चाहिए, इसके चैनल और इसका चैनल दोनों सेम होना चाहिए, इसका ग्रुप और इसका ग्रुप दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके दोनों कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले ये हमने सेटिंग कर ली। अब ये जो आप जेड जैसा निशान देख रहे हैं, इसको हम ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, सबसे पहले रिटर्न होना होगा। रिटर्न होने से यहाँ पर ये बैक बटन है, इसको बैक किया। अभी फ्लैश एम मोड पे है, तो इसको हम फ्लैश को भी स्लेव मोड पे डालना होगा। स्लेव मोड पे डालने के लिए अभी इसको है जैसा रहने देते हैं। अभी हम ट्रिगर के सेटिंग कर लेते हैं। ट्रिगर को यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये ट्रिगर ऑन हो गया है। तो ट्रिगर की बेसिक सेटिंग हम देख लेते हैं। बेसिक सेटिंग यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखी है, सिंक, ब्लूटूथ, बीप, जूम, और यहाँ से व्हील को घुमाते हैं तो एलसीडी, लाइट, स्टैंड बाय, ग्रुप सेटिंग्स और आईडी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आईडी सेटिंग कर लेते हैं। आईडी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा आईडी में, ये आईडी है, आईडी को यहाँ से सेट करते हैं। तो आईडी अभी सेलेक्ट है 90, क्योंकि हमने फ्लैश में भी आईडी 90 ही सेलेक्ट कर रखी थी, इसलिए दोनों सेम चाहिए। तो उसके बाद चैनल सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हम फ्लैश में चैनल देखते हैं कि फ्लैश का कौन सा चैनल फ्री है। तो सबसे पहले इस फ्लैश को स्लेव मोड पे डालेंगे। स्लेव मोड पे डालने के लिए यहाँ से बटन प्रेस करेंगे, ये जेड वाला। अभी फ्लैश मास्टर मोड पे है और यहाँ पर फ्लैश जैसे साइन है, अभी ये कनेक्ट नहीं होगी। वापस इस बटन को प्रेस करते हैं, इस बटन को, तो आप देख सकते हैं यह स्लेव मोड पे है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नेटवर्क का साइन नहीं आया है। जब यहाँ पर कोई नेटवर्क का साइन आएगा, तब जाके इस फ्लैश ये फ्लैश दोनों कनेक्ट होंगे। वापस इस बटन को दबाएंगे, अब देख रहे हैं आप ETTL मोड आया है, नेटवर्क का साइन भी आया है, लेकिन अभी फ्लैश मास्टर मोड पे है, लेकिन अभी भी फ्लैश इस ट्रिगर से कनेक्ट नहीं होगी। इसको वापस एक बार दबाते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क का साइन आया है, ETTL मोड आया है और यहाँ पर स्लेव मोड आया है, और फ्लैश का ग्रुप ए सेलेक्ट है और फ्लैश चैनल नंबर 4 पे काम करेगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, चैनल 4, ग्रुप ए और स्लेव मोड और नेटवर्क मोड, ये सभी सेट है। अब ये सेम टू सेम सेटिंग हमें ट्रिगर में करनी है। तो ट्रिगर में करने के लिए मेनू दबाएंगे, और अभी हम मेनू में जाने के बाद चैनल सेटिंग, क्योंकि चैनल ये 4 नंबर पे है, तो हमें भी चैनल को 4 पे सेलेक्ट करना होगा। अभी देख सकते हैं ये 4 नंबर पे ही सेलेक्टेड है, तो हम इसको 3, 2, 1 कैसे भी कर सकते हैं। अभी इसको हम 4 भी रहने देते हैं और सेट कर देते हैं। और अब जो लास्ट चीज बची है, वो चीज बची है, वापस इसको मेनू दबाएंगे, होम पेज पर आ जाएंगे। अब इसकी लास्ट सेटिंग बची है कि ये फ्लैश ग्रुप नंबर ए पे सेलेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ए मेंशन हुआ आ रहा है यहाँ। तो अभी ए मेंशन हुआ आ रहा है, तो हमें 5 ग्रुप दे रखे हैं इसमें ट्रिगर में, ए बी सी डी ई। तो हमें भी यहाँ पर ग्रुप नंबर ए सेलेक्ट करना होगा।
यहाँ पर ए सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ए पे ये ऑप्शन आ रहे हैं। इस ऑप्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से मोड ब्लैंक हो गया ए, इस पर कोई सेटिंग नहीं रही है। तो अभी इस फ्लैश को कनेक्ट करने के लिए मैनुअल पर डालना होगा, वापस मोड दबाएंगे, ये टीटीएल मोड आया है, हमें टीटीएल पर नहीं रखना है, हमें रखना है एम 1/16, यहाँ पर रखा 1/16, तो इसको हम सेट कर देंगे, यहाँ पर हमने सेट कर देंगे इसको घुमा के 1/16 0.4 1/16 0.2 1/16 को सेट कर दिया, यहाँ से सेट हो गया ए ग्रुप, यहाँ से कंप्लीट ये हो गया है सेट। अब क्या करना है, ए को प्रेस किया तो ये अब ए मैच हो गया। अब यहाँ से फ्लैश में एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर दे रखा है जेड एम सी एफ एन, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। इसको दबाने के बाद यहाँ पर एक फ्लैश जैसा और प्लस माइनस चेन है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप देखा ये जो चीज़ें आ रही है, अभी चैनल देख लेंगे, चैनल फोर सेलेक्टेड है और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ए बी, बी नहीं है, वापस इस ग्रुप को दबाएंगे, सी नहीं है, अपना ग्रुप है ए, ये ए सेलेक्टेड है और यहाँ से हमको सेट कर दिया। ओके, अब यहाँ से ये फ्लैश टेस्ट होगी, कौन सा बटन है, ये बटन है जहाँ से ये टेस्ट होगी, इसको एक बार दबाते हैं हल्का सा तो ग्रीन लाइट जलेगी, और ग्रीन लाइट जलती है तब ये फ्लैश वो नहीं करेगी ट्रिगर, फ्लैश नहीं जलेगी। इसको जोर से दबाने पर ये लाल बटन आप जोर से दबाएंगे ये वाला, तो फ्लैश चमकेगी। जैसे अभी मैंने दबाया, ये देखिए फ्लैश अभी काम कर रही है, जैसे देख सकते हैं, ये शायद मोबाइल का जो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें ये फ्लैश सही से दिख नहीं पा रही हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें परफेक्ट कनेक्ट हो गई है दोनों चीज़ें। सो ये है इसकी कनेक्ट करने के लिए सबसे इजी टेक्निक। करना क्या है, हमें तीन चार चीज़ें मेजर ध्यान रखनी है। इसमें जो सेटिंग करेंगे वो सेम टू सेम सेटिंग ट्रिगर में करेंगे, और ट्रिगर की जो सेटिंग होगी वो सेम टू सेम इसमें करेंगे, यानी कि समझ लीजिए पहले जो सेटिंग इसमें करनी है उसके बाद ट्रिगर में करनी है, और ट्रिगर में इस यहाँ से जो ग्रुप सेलेक्ट होगा वही ग्रुप ट्रिगर से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रिगर में ये सारे बहुत सारे ग्रुप हैं, आपको ए अच्छा लगे तो ए सेलेक्ट कीजिए, बी तो बी, और पांच ग्रुप हैं कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैनल सेलेक्ट कीजिए, चैनल 1 से लगा के 32 चैनल तक होते हैं इस ट्रिगर की कैपेसिटी, क्योंकि ये X2T नया वाला मॉडल है, इसमें ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये 1/16, इसमें भी आपको 1/16 ही रखना होगा। यहाँ पर आप A को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं M 1/16 है, तो सेम टू सेम सेटिंग ये होगी तब जाके ये फ्लैश फायर करेगी। ये देखिए ये यहाँ से 1/16 मतलब एक बार में 16 बार प्रेस होगी, तो आप देख सकते हैं। फिर इस ट्रिगर को आप अपने कैमरा पर DSLR पर लगा दीजिए, फिर उसके बाद ये फ्लैश कंप्लीट वर्क करेगी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।